के सम्मानित करे के सपना बा। वही क्रम में आज कुमारी आकृति जी के जिनकरा के राष्ट्रपति जी गोल्ड मेडल दे रही है, हम उनकरा के सम्मानित करें, उनके आवास पर आई नहीं और उनको सम्मानित किया गया। गोल लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी, जौना बक्सर के बेटी के राष्ट्रपति दिहनी गोल्ड मेडल, उहे बेटी के महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के संयोजक दिहनी कर्मवीर चक्र कैल गैली सम्मानित। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के संयोजक रवि गुप्ता के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पो नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कली, फेसबुक पेज पो देखतानी तो फॉलो कली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। ये बक्सर जिला है बबुआए, बक्सर जिला में एक से बढ़ के एक धुरंधर पैदा होलन। यह बक्सर जिला के लोग पूरा देश में झंडा गाड़ेलन। ऐसने एगो बेटी बक्सर जिला के राष्ट्रपति के हाथे सम्मानित भइल। एकरा बाद महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के संयोजक के भी ना रहल गइल, वहाँ के कर्मवीर चक्र दे के सम्मानित कइल। चली मामला का बात तनी विस्तार से जान ली। बीएफए के एम्स पटना के पहिलका दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बक्सर के बेटी कुमारी आकृति के गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र दे के सम्मानित कइल। बता दही कि आकृति बीएससी नर्सिंग 2019 बैच के छात्रा है। राष्ट्रपति के हाथों मेडल और प्रमाण पत्र मिलला से पूरा परिवार में खुशी के माहौल बा। वो बक्सर शहर के बाजार समिति स्थित महात्मा गांधी नगर के निवासी विजय कुमार के लड़की है। यही क्रम में इतवार के दिन उनका आवास पे पहुंचल महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के संयोजक रविराज गुप्ता आकृति के कर्मवीर चक्र दे के सम्मानित कैली। यहाँ के कहनी कि बेटिया ऐसे ही आगे बढ़त रहसन, देश के नाम रोशन करत रहसन। वहाँ के ढेर सारा बधाई देनी। सम्मानित होखला के बाद आकृति कुमारी बहुत ही खुश लागत रही, साथे साथ उनका परिवार भी यह सम्मान से बहुत खुश नजर आई। वही जब आकृति से बातचीत कैल गई तो वो बतैली कि प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय DAV स्कूल से कैली, हिजा से मैट्रिक पास कैला के बाद इंटर के पढ़ाई विशाखापट्टनम से कैली। एकरा बाद वो पटना एम्स से BSc नर्सिंग के शिक्षा प्राप्त कैला बाद 2019 में एडमिशन करैली। बता दही कि राष्ट्रपति के हाथों मेडल और प्रमाण पत्र मिलला के बाद पूरा परिवार में खुशी के माहौल बा। वही नामा नगर प्रखंड के बराढ़ी गांव के लोग भी ये उपलब्धि पर खुश बने। आकृति के माई उर्मिला कुमारी सरकारी शिक्षिका हई, वही पिता विजय कुमार हाजीपुर रेल डाक में सहायक कर्मी हमें। वहाँ के बतैनी कि आकृति शुरू से ही मेघावी छात्र रहल बिया। आकृति के दूगो छोट भाई कुमार वैभव और विवेक बने, दोनों भाई भी स्थानीय स्कूल में ही पढ़ता रहे। बयान बक्सर की बिटिया को महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन लगातार शिक्षा साहित्य एवं कला के क्षेत्र में जो लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, शाहबाद में बक्सर जिले की बराड़ी की रहने वाली बिटिया जो बक्सर में इसका निवास स्थान है अंबेडकर चौक पर, कुमारी आकृति जी को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया है। उसी की सोच को और उसके उपलब्धि को देखते हुए कुमारी आकृति जी को आज महावीर महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन की तरफ से कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ में हमारे उनके चाचा जी भी हैं संजय गुप्ता जी, और इनका पूरा परिवार बहुत हर्षोल्लास में जी रहा है। और ये दशहरा की इन लोगों को बधाई है कि ऐसा बड़ा इन लोगों को अवार्ड मिला कुमारी आकृति को, यहाँ के बच्चों के लिए वो मिसाल बनते। अच्छा, जौन आकृति के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित कर गेल रहला, उनका क्या जब बक्सर में रहा सब सम्मानित कैनी, का कहल चाहतनी? महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के संकल्प बा कि कोनो हाल में जे भी एजा शिक्षा स्वास्थ्य एवं संस्कृति के बढ़ावा दे रहा बा या मैं उपलब्धि प्राप्त करता, ओकरा के हमने के सम्मानित करे के सपना बा। वही क्रम में आज कुमारी आकृति जी के जिनकरा के राष्ट्रपति जी गोल्ड मेडल दे रही है, हम उनकरा के सम्मानित करें, उनके आवास पर आई नहीं और उनको सम्मानित किया गया कर्मवीर पुरस्कार से। जौन महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी के सपना बा कि केहू अछूता ना रह सके, जे भी सम्मान के पात्र बा।
बक्सर जिला ही नहीं शाहबाद के पूरे क्षेत्र में हमनी के लागल बनी जा और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि कुमारी आकृति जी लेके आई बड़ी। पूरा बक्सर जिला हर्षोल्लास में जी रहा बा और ये दशहरा पर सबसे बड़े हमनी के कुछ खबरी बा। का नाम पड़े रहा? रविराज शाहबाद संयोजक महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन। धन्यवाद।